खबर की खैरसल में एसीबी की कार्रवाई हुई है। एसीबी ने कृषि अधिकारी संजीव कुमार को ट्रैप कर लिया है। 10,000 की रिश्वत लेते दबोचा है। खाद बीज की दुकान का लाइसेंस जारी करने की एवज में मांगी थी घूस। एसीबी एएसपी पीयूष दीक्षित ने दिया कार्रवाई को अंजाम। ये बड़ी खबर, एसीबी ने कृषि अधिकारी संजीव कुमार को ट्रैप किया है। दरअसल ये ट्रैप की कार्रवाई इसलिए हुई है क्योंकि 10,000 की रिश्वत लेते कृषि अधिकारी को पकड़ लिया गया है। खाद्य बीज की दुकान का लाइसेंस जारी करने की एवज में इसने घूस मांगी थी। एसीबी एएसपी पीयूष दीक्षित ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। रिश्वत खोरी के मामले थम नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसे रिश्वत खोरों पर एसीबी की नजर भी है। जैसे ही शिकायत मिलती है तो तुरंत सत्यापन कराया जाता है और उसके बाद कार्रवाइयां ट्रैप की। संजीव कुमार कृषि अधिकारी जिसको एसीबी ने पकड़ लिया है। नवीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवीन, जानकारी इस कार्रवाई को लेकर दीजिएगा, कैसे ये कृषि अधिकारी एसीबी के ट्रैप में फंसा? देखिए, वाकई में बिल्कुल एसीबी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। एसीबी ने अलवर के खैरतल में कार्रवाई करते हुए जो कृषि अधिकारी है जिसका नाम संजीव कुमार है उसको 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। 12,000 रुपए की रिश्वत की डिमांड की गई थी, 10,000 रुपए के अंदर वेरिफिकेशन हुआ और आज एसीबी ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते जो आरोपी है उसको रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरी कार्रवाई एसीबी के जो एडिशनल एसपी है पीयूष दीक्षित, उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आपको बता दूं, परिवार ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी खाद बीज की दुकान है और उस दुकान का लाइसेंस जारी करना था, रिन्यू करना था, और उस लाइसेंस को रिन्यू करने की वजह में उसकी डिमांड की जा रही थी। तो एसीबी ने इसका वेरिफिकेशन कराया और 1 मार्च को परिवार ने एसीबी में शिकायत की थी और शिकायत के बाद में आज इसको कार्रवाई को करते हुए एसीबी ने जो आरोपी है संजीव कुमार उसको गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल जो आरोपी है उससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद में और भी कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। आपको बता दूं, एसीबी की एक टीम है जो आरोपी का जो आवास है, घर है, वहां पर भी पहुंच चुकी है। घर की सर्च की जा रही है। घर की सर्च में क्या कुछ निकलता है वो एक देखने वाली बात होगी। फिलहाल एसीबी ने जो आरोपी है संजीव उसको गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन नवीन, क्या आप कुछ पता चल पाया है, क्योंकि खाद्य बीज दुकान का लाइसेंस तो और लोगों ने भी इस तरीके से लिया होगा, क्या ऐसे पहले भी क्या रिश्वत की डिमांड इसकी तरफ से की गई है? देखिए, जो विश्वसनीय सूत्र बता रहे हैं, एसीबी के सूत्र है, वो बता रहे हैं कि अब एसीबी इस पूरे मामले की जांच के अंदर लगी हुई है कि कितनी ऐसी दुकानें हैं जिनका ये लाइसेंस, खाद्य बीज का लाइसेंस जो जारी किया गया था, क्या उनसे भी 12,000 रुपए की घूस की डिमांड की गई थी या फिर इससे पहली बार मांगे गए थे, और ऐसे कितने लाइसेंस हैं जिनको जारी करने की एवज में इसने घूस की डिमांड की थी और घूस लेकर ही लाइसेंस जारी किए थे। कहीं ना कहीं कई कमियां होंगी जब भी इसने घूस की डिमांड मांगी होगी, और जो लाइसेंस जारी किए हैं वो भी एक बड़ी बात है। कोई अगर उसके लिए सक्षम नहीं है, उसको भी अगर लाइसेंस दे दिया है तो उसकी भी अब एसीबी की टीम जांच करेगी। तो हम कह सकते हैं आने वाले दिनों में जो ये अधिकारी है, कृषि अधिकारी जिसका नाम संजीव कुमार है, उसकी मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आएंगी। फिलहाल जो एसीबी की टीम है इस पर पूछताछ कर रही है, आज इनसे दिन भर पूछताछ की जाएगी। थोड़ी देर बाद मेडिकल के लिए एसीबी की टीम लेके जाएगी और उसके बाद कल कोर्ट में पेश करेगी। ठीक है, ठीक है नवीन, नजर रखिएगा इस पर। लेकिन बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।